हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आज मैं आप लोग के सामने बताने जा रही हूं वजन को घटाने का सबसे बेहतरीन घरेलू उपाय। बहुत ही आसान है और इसे आप अपने घर में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैंने ये लिया है एक ग्लास पानी, और ये नॉर्मल पानी है, और दूसरा लिया है मैंने सौंफ। इसकी सहायता से आप अपने घर पर अपना वजन जो है बहुत ही जल्दी कम कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है दोस्तों, और बहुत ही अचूक उपाय है। मतलब अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही जल्दी इसका फर्क नजर आएगा। आपके वजन, कमर के, पेट की चर्बी देखते देखते बर्फ की तरफ पिघलते जाएगी। अगर इस उपाय को आपको कंटिन्यू करना है, और इसको कैसे करना है मैं आपको ये बताऊँगी। ये वीडियो को आप प्लीज़ अंतिम तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इसको बनाने के लिए क्या करना है, मैंने जो ये नॉर्मल पानी लिया है ये नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। इसको मैंने इसमें डिप कर देना है। सौंफ को लगभग 2 चम्मच आप सौंफ डाल दीजिए एक ग्लास पानी में। और इसको करना कब है, इसको करना है दोस्तों आपको रात में सोने के पहले आपको इस तरह का ड्रिंक बनाना है, और सौंफ को पानी में डाल करके इस तरह से इसे भिगो करके रात भर के लिए छोड़ना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी में सौंफ अच्छे से घुलेगा, और पानी में जो है सौंफ का जितना भी फ्लेवर होता है, जितना भी इसमें गुण होता है, वो उस पानी में चला जाएगा दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं कि सौंफ बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठंडा में यानी कि ठंड के दिनों में हमें ठंडा पानी में अगर नॉर्मल पानी में डाल के पिएंगे तो मे बी हमें और कोल्ड हो जाए या कफ हो जाए। तो उससे भी बचने के लिए एक और उपाय है जो कि मैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में बताऊँगी कि आपको क्या करना है। अगर आपको गर्मी के दिनों में पीना है तो बिल्कुल इस तरह से आप पानी का सेवन कीजिए, और आपको जो है रातों रात आपकी पेट की चर्बी या फिर कमर की चर्बी को आप घटते हुए देखिए। इस तरह से आपको नॉर्मल पानी में दोस्तों सौंफ को भिगा करके रात भर रखना है, और इसका सेवन करना है सुबह में खाली पेट। सुबह खाली पेट कुछ भी खाने के पहले आप अगर उठने के साथ ही, बेड से उठने के साथ ही इस पानी को पी लीजिएगा, आपको इसका बहुत ही जल्दी फर्क नज़र आएगा दोस्तों। और अगर आप चाहे तो इसको छान करके पी सकते हैं, और अगर नहीं छान सकते तो इसकी जगह पे आप इसको डायरेक्ट सौंफ के साथ ही खाइए तो ज़्यादा और भी फायदा होगा। नॉर्मल पानी लेना है और सौंफ 2 से 3 चम्मच डालना है, रात भर इसको भिगो करके रखना है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही इसे पीना है दोस्तों। इसको आपको कंटिन्यू दोस्तों लगभग 15 दिन तक 20 दिन तक आपको सेवन करना है, आपको फर्क अपने आप ही पता चलेगा। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल पानी में हम कैसे बना सकते हैं। जिसको नॉर्मल पानी से प्रॉब्लम है, ठंडा पानी से प्रॉब्लम है, वो इसको दूसरे तरीके से बता रही है। अगर दोस्तों आप सौंफ को नॉर्मल पानी में या ठंडे पानी में नहीं पी सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सौंफ और पानी को गर्म करना है, खौलाना है। मैंने अभी जो पानी दिया है सेम पानी को मैं यूज़ कर रही हूँ बताने के लिए कि इस तरह से आपको ग्लास भर पानी और 2 चम्मच सौंफ को पानी में डाल करके अच्छे से इसको बॉयल करना है। बॉयल इतना करना है कि सौंफ के जितने भी गुण होते हैं वो सारे पानी में चले जाने चाहिए, और इस तरह से हमें सौंफ को खौलाना है पानी के साथ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से हमारा सौंफ खौलने लगा है, और खौलने के बाद आप इसको क्या करें, अच्छे से ठंडा कर ले तब पिए। बहुत लोग इसको गर्म भी पी सकते हैं, यानी गर्म मतलब इतना गर्म पीना है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आ करके फिर पीजिए, और अगर आप ठंडा करके भी इसको पीजिएगा तब भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ये ड्रिंक आप रात में बना करके छोड़ दीजिए और सुबह में पी सकते हैं, और अगर रात में नहीं बना सकते तो अर्ली मॉर्निंग आपको बना करके ऐसा ड्रिंक आपको पीना है। कुछ ही दिनों में दोस्तों आपकी पेट की चर्बी जो है बर्फ की तरफ बिल्कुल पिघल जाएगी। आपको ये घरेलू नुस्खा बहुत ही अचूक और आसान लगेगा, और इसे आप डेली फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको लगे कि आपका हेल्पफुल है और आपके लिए फ़ायदा है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको कि इसकी ज़रूरत है। मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया है कि चलो जागरूकता फैलाएं, #, चलो जागरूकता फैलाएं दोस्तों। इसमें मेरा आप लोग प्लीज़ हेल्प करें, और इस तरह की कोई भी वीडियोस आपको लगे कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर फैलाएं। इसके लिए आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट्स में अपने अनुभव लिखें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।